प्रांत जी, ये बताइए कि ये जो औरतें आई हुई है, चंद्रा घटना हुई है मुंबई के अंदर, जिसके लिए अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया इनके लिए, तो एमआईएम क्या स्टैंड लेंगे इसके ऊपर? कि आज जो ये औरतें आई है, ये इन शख्स की बीवी है समद हसन शेख, मोहम्मद याकूब शेख, जिनका 29 तारीख को 29 सितंबर 2015 के दिन जो टोयोटा कंपनी में काम करते थे वहाँ पे एक डेथ हो गई। ये उनकी बेटी है, उनकी बीवी है, उनके बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। आज सभी आए हमारे पास इंसाफ की गुहार लगाने। तो 29 तारीख के दिन जब ये घटना हुई, रात को ये लोग वहाँ गए तो उनके साथ मस्ती मजाक की जा रही थी। वहाँ के स्टाफ ने कहा, किसी ने कहा कि उनको अटैक आ गया, पहले कहा वॉमिट हो गई, ये हॉस्पिटल गए, के हॉस्पिटल में लाव वारिस की तरह वो पड़े थे। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि नहीं, इनके साथ कुछ मस्ती में ऐसी घटना हो गई जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इस तरह की मस्ती मजाक कंपनी का स्टाफ जिनके साथ वो काम करते थे उन्होंने इनके साथ किया। इनके बोलने के ऊपर वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम से ये पता चला, इतनी घिनौनी हरकत उनके साथ की गई जो मैं आपके कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ खवातीन लोग हैं। उनकी दोनों इंटेस्टाइन में हवा भर दी गई थी, उनका फेस में हवा भर दी गई, और एक बहुत ही दर्दनाक मौत को अंजाम दिया गया इनकी तरफ से, टोयोटा कंपनी की तरफ से। इसके खिलाफ पुलिस ने तहकीकात की मगर हमको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, पुलिस ने ये केस के अंदर एक इंसान को अरेस्ट किया है अब तक। क्या आप मुझे बताइए कि इतनी दर्दनाक खौफनाक वारदात को अंजाम क्या एक इंसान दे सकता है? ये तकरीबन पूरी कंपनी वालों का कसूर है। और आज एक कमाने वाला आदमी था उनका, जो 9 महीने से उस कंपनी में काम कर रहा था, उसको इस दर्दनाक मौत के हवाले किया गया है कंपनी की तरफ से। और पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है, मीडिया खामोश बैठा है। कहीं एक घटना हो जाती है दूर दराज गांव में तो मीडिया पूरा उसको हाइप कर देता है। आज मुंबई जैसे शहर के अंदर रात के दिन में एक इंसान की मौत हो जाती है, इतना बड़ा दुर्घटना हो जाती है, जिसके बीवी बच्चे आज गौर लगा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, कमिश्नर को लेटर लिखा, मगर कुछ नहीं हो रहा है। आज ये हमारे दफ्तर में आए, एमआईएम की तरफ से मैं एमएलए वारिस पठान ने इनको आश्वासन दिया है कि मेरी पूरी टीम, पूरा एमआईएम आपके साथ आपकी लीगल बैटल में शामिल है, और अब हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे पुलिस में, प्रशासन में, कंपनी में। और हमको ये देखना है कि जो मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके परिवार के साथ पूरी पूरी तरह इंसाफ हो, ये एमआईएम की भूमिका रहेगी। और एमआईएम इसमें पूरे परिवार के साथ थी, है और हमेशा से रहेगी। मोहम्मद याकूब की बेटी है, उन लोगों को कॉल आया था 2:30 आराम, उन्होंने बोले कि आपके डैडी को वॉमिट हुई है और वो फेंट होके गिर गए, तो हम उनको इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल में केम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोले ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मम्मी को पहुँचते 2:50 हो गया, तो मम्मी 15 मिनट्स वहाँ पर ढूंढते ही रह गए कि मेरे डैडी को कहाँ एडमिट किए, वो मिले नहीं। मेरे मम्मी ने वही नंबर पे कॉल किया जिस कंपनी के बंदे लोग ने कॉल किए थे, वो उन्होंने बोले कि आपके डैडी को हम लोगों ने यहाँ एडमिट किया है, मम्मी के पास आए, मम्मी को पूछे सिर्फ आप दोनों लोग ही आए? तो मेरे मम्मी ने बोले हाँ हम लोग ही आए। तो फिर उसके बाद मम्मी ने पूछे कि कहाँ है, तो उन्होंने बोले कि आप रुको, आपकी मतलब बेटी को लेके जाते हैं। नहीं, बोले दवा गोली खाते थे, कुछ बीमारी थी क्या उनको? कुछ बीमारी थी, कोई दवा गोली खाते थे, कुछ रिएक्शन था क्या? मैंने कोई दवा गोली नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी, कुछ परेशानी थी। वो अच्छे खासे काम पे निकले घर से, बोले अच्छी बात है, रुको वहाँ पे, रुको, हमको इंजेक्शन दिए, आराम कर रहे, आप जाओ रुको, और बच्चों को ले जाते मेरे, और साइड में कहते कि तुम बाहर ठहरो, मेरे को कहते, और बच्चों को ले जाके कहते कि तुम इतना, बच्चे कोने में जाके बोलते कि उसको कि तेरे पापा का हार्ट रुक गया है। वो पापा बच्चा फिर मेरे को बोलता गले लगा के बाहर आता, कहते मम्मी तुम यहाँ सफर से खड़े रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, और फोन पूरे खानदान को फोन करता है। जब तो उसके बाद मैं फोन होने लगे, मैं बोली बेटे कहाँ है पापा, देखे हैं देख, मम्मी रुको जा रुको यहीं खड़े हैं। उसके बाद मेरी बच्ची का फोन, तो मम्मी पापा बोल के चीख मारती, उसके बाद मेरी बेटी बेटी चीख मारती पापा बोल के। तो मैं अपने बच्चे इरफान को फोन करती हूँ, इरफान जल्दी, बड़ा बेटा मेरा जेठ का लड़का है, इसको फोन करती हूँ कि इरफान जल्दी आ जा, चाचा का हार्ट रुक गया, मैं दवाखाने गेम में हूँ। इससे पहले घर से निकलते पहले फोन करती हूँ मेरे जेठानी को कि बोले भाभी घर में कोई है क्या, बच्चे भेज दो, कैंप के अंदर दवाखाने में इनको एडमिट किया हुआ है, तुम जल्दी आओ। तो बोले हाँ अम्मी मैं भेजती हूँ। बोले
उसके बाद मैं कैंप में जाती देखती हूँ तो फिर हम लोग बहुत चिल्लाते कि बताओ कहाँ है दिखाने तैयार ही नहीं। फिर मैं चीख मारती हूँ, मैं मेरे बच्चा चीख मारते बताओ कहाँ है, तो जब जाके देखते अंदर तो पड़े हुए हैं ऐसा, इतने मोटे फूले हुए, दोनों पैर फैलावे, दोनों हाथ फैलावे, इतना मुँह मोटा सोची हुआ, मुँह में से कफ निकल रहा। अब मैं जाके गले देखती हूँ कि क्या क्या हो रहा, उनको भी बुशर्ट खोलती हूँ कि गर्मी हो रही क्या हो रही, चीख मारती हूँ, मेरे बच्चा बता तुम लोगों ने क्या किया मेरे पापा को, इतना मोटा खुल गए पापा क्या हुआ, हमने चीख मारा, हमने कुछ नहीं किया, बोले पापा के कपड़े गीले क्यों हैं और इतने मोटे क्यों खुले पापा मेरे, इतना बदन क्यों दब रहा उनका, कि हम दोनों चीख मार देते। फिर खानदान हमारा ऐसा ऐसा आता कि मेरा बच्चा आता इरफान, उसके आगे ये चिल्लाना शुरू करता, ये और एक बच्चा समीर आता मेरे पड़ोसी का बच्चा, समीरा ने दोनों चिल्लाना शुरू करते, बोले क्या हुआ क्या नहीं, तुमने दोनों खींच के बॉडी को आगे ले गए थे, डॉक्टर कहते कि ये पड़े हुए हैं इनको देखते क्यों नहीं, तो डॉक्टर कहते कि ये लाने से पहले डेड हो चुकी थी इनकी। उसके बाद पूरा खानदान जमा होता है, जब सोचते कि ये क्या करें आगे, आगे का मामला कैसा करें, तो जब बोर्ड पहुँचने के लिए आते हैं तो आगे मुझे बाहर खड़ा करते बच्चा, फिर आगे मेरा बच्चे को। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। आप विक्टिम की क्या लगते हो? विक्टिम मेरे चाचा है, मैं उनका भतीजा हूँ। जब आप हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल में क्या हुआ था? हॉस्पिटल में तो समझो पहले जो कंपनी के चार बंदे लोग लेकर आए थे, उन्होंने तो सबसे पहले हम लोग को गलत पकी पकाई स्टोरी हम लोग के सामने हम लोग ने प्रेजेंट किया था। जैसे हम लोग कहने लगे कि भाई जो उनको काम करते कर खाना ना खा रहे थे, खाना ना खा के थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर जैसे काम स्टार्ट किए थे उन्होंने तो काम करते करते नीचे गिर गए, फिर हमने उठा के उनको कुर्सी पे बिठाया तो वो फिर उल्टी होने लगी उनको, और फिर वैसे जिस गाड़ी में वो काम कर रहे थे वही गाड़ी में हम लोग डाल के लेकर आए, यहाँ पर चार बंदे लोग लेकर आए थे। तो जबकि ऑन द स्पॉट जब हम लोग पहुँचे थे तो ECG करने पे पता चला था कि ये ऑलरेडी ऑन अराइवल डेथ है करके उन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था। हमने जाके क्योंकि हम पहले जब पहुँचा मेरे चाचा को देखा तो अब नॉर्मल बॉडी जैसे रेगुलर मैं उनको देखता हूँ और अभी देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ऐसे पूरे आँखें तो जैसे बलून की तरह पूरा पॉपअप हो गई थी, पूरा बाहर आ चुकी थी, पेट और सीना मतलब इतना फुल चुका था कि ये और ये पूरा एक लेवल में आ चुका था, और मतलब बदन के हर एक मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है कम्प्लीटली बलून की तरह हो गया था, मतलब बॉडी का एक एक पार्ट बलून की तरह फूल गया था। तो मैंने बोला यार ऐसा तो हमें जैसे बॉडी को हाथ लगाया तो मेरे को लगा कि देयर इज समथिंग सस्पिशियस, तो मैंने इमीडिएटली मैंने बोला भाई क्या ये इतना बॉडी कैसे फूल गई, तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं हम लोग रस्ते में लाने के टाइम पे उनकी बॉडी जो है फूलती चली गई। तो मैंने मजाक कर रहे पूछा उसको, मतलब बॉडी है क्या फुगा है कैसा फूकती है ऐसा, तो फिर उसमें हम लोग ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बोले कि बस ये ऐसा ऐसा हम लोग लेकर आए ऐसे ऐसा बताए तो हम लोग ने ये मसला हो गया। फिर हम लोग बोले ठीक है अच्छी बात है। फिर हम लोग ने जैसे रेगुलर जैसे मालूम पड़ता है क्योंकि हमारे चाचा को ना ब्लड प्रेशर था ना डायबिटीज़ ना बीमार कोई किस्म की बीमारी नहीं थी, फिट और हेल्दी थे, उनको घुटनों में खाली थोड़ा दर्द था। अब उस वजह से हम लोग ने पता नहीं अगर इनकेस अगर चारों भी हो जाता उनको साथ में तो भी बॉडी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे को सस्पिशियस लगा। हम लोग ने फैमिली में डिस्कस किया, बोले कि नहीं हमको पोस्टमार्टम कराना है ताकि हम लोग का एक्चुअल कॉज क्या है वो पता चले, इसका रीज़न क्या है इसके बिहाइंड। तो जैसे हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो उन लोग ने भी वही स्टेटमेंट उन लोग ने पुलिस के सामने जब चौकसी जो पीछे बैक साइड में मॉक रूम के बैक साइड में उन लोग ने भी जो चार लोग आए थे वही स्टोरी उनके सामने पुलिस के सामने प्रेजेंट किए। हम लोग ने भी जैसा हमको बताया गया क्योंकि हमको तो कुछ अभी तक कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, जैसा उन लोग ने बताया हमने भी वही स्टोरी उनके सामने बताया। उसके बाद में जब रिवील हुआ कभी जब लास्ट में मेरे डैडी ने साइन किया बॉडी को पोस्टमार्टम के अंदर भेजने के लिए, जैसा बॉडी पोस्टमार्टम के रूम में लेकर जाने लगे वैसे ही उन लोग ने बंदों ने फ़ोन लगाया उनके कंपनी में और सारे जितने भी रे रोड के हैं डॉग अपना कॉटन ग्रीन के वर्ली के सारे GM उन लोग वहाँ पर पहुँच गए और तीन विटनेस को लेके पहुँचे और मेरे डैडी के पास आके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहने लगा कि भाई आपको सर जो भी बताया गया था इससे पहले वो थोड़ा गलत था, ये ऐसी की बात ऐसी है कि ये तीन विटनेस है और इनका आपके चाचा मतलब आपके भाई का आपके भाई का मर्डर किया हुआ है और हमने वो उसको मार मार के हम लोग ने जो कल्प्रिट है उसको ऑलरेडी हम लोग ने जमा कर दिया है और हम लोग पहुंचने से पहले ऑलरेडी वहां पर उसको जमा करके उन लोग ने मतलब FIR भी लॉन्च कर दिए जो भी करने का था वो लॉन्च करके उन लोग ने तीन विटनेस को भी उन लोग ने अपने कंप्लेंट में डाल दिया, जबकि विटनेस का रोल होता है कंप्लेनेंट का रोल नहीं होता है। कंप्लेनेंट तो हम लोग है क्योंकि हमारे घर में तकलीफ हुई है हमारे को तकलीफ हुई है हमारे चाचा को मारा गया तो हम लोग कंप्लेंट करने वाले लोग हैं, वो कैसा कंप्लेंट करेगा, ही इज जस्ट एन आई विटनेस, तो उनको आई विटनेस का रोल निभाना चाहिए। हम लोग आने से पहले कंप्लीटली एक स्टोरी है और वो लोग तो बिंदास ऐसे घूम रहे थे जैसे पार्क में घूम रहे, पुलिस के सामने भी उनको ऐसा कोई डर नहीं है कुछ भी नहीं है, कोई हम लोग को एकदम हम लोग हैरत में पड़ गए क्योंकि हमारी लाइफ में ये पहला हम लोग ने इंसिडेंट देखा कि मर्डर केस है ऐसे,
तो हम लोग कभी हैरान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है, कौन कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है, कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है। हम लोग पुलिस को बात कर रहे कि सर इतना इतना कैसा हो सकता है कोई हो, तो पुलिस खुद ही बोलने लगती, वो लोग मजाक मस्ती करते। पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, ना कि कोई भी एक कल्प्रिट के बोलने के ऊपर वो स्टेटमेंट लेके उन लोग पकड़ के चलते। हम जिधर जाते हैं तो भी पुलिस भी एकदम, उनका भी ढीला रवैया है स्टार्टिंग से, और हर जगह देखो तो हमारे सपोर्ट में कोई बात नहीं करता है, बस वही बात करता है कि मजाक मस्ती। मजाक मस्ती में एक नॉर्मल पर्सन के साथ में कैसा होता है, जो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बात किया हमने, जब पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर थे 15 मिनट तक हम लोग ने बात किया उनसे, मैं और उनका लड़का शाहबाज हम लोग चाहते उधर, तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसी की बात ऐसी थी, उनके उसमें ऐसे शरीर में हवा डाला गया था जो 140 की स्पीड में एयर प्रेशर था वो बॉडी में इंसर्ट किया गया था, विद इन 4 to 5 सेकेंड्स इटसेल्फ उनका मतलब ऑलमोस्ट डेथ हो गए थे। जब हमने जब ये सब बात सुना तो हम लोग ने जब हमारे फैमिली के सामने रिवील किया और जाके फिर हमने पुलिस चौकी में पहुंच गए, बोले सर ऐसी ऐसी बात है। हमने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि आज तक ना तो उन्होंने जिस चीज़ से मर्डर किया है तो आज तक उन लोगों ने वो अपने इसमें नहीं लिया है, सीज नहीं किया उसको। हमारे चाचा का लॉकर था वहाँ पर, जैसे कि जाते हैं ड्रेसिंग रूम में अपने चेंज करते हैं, तो ड्रेसिंग रूम का लॉकर भी सीज नहीं किया उन्होंने, उनके अंदर के वॉलेट के अंदर के भी कुछ चीज़ें हम लोग को मिसिंग पाए जा रहे हैं। और तीसरी बात सीसीटीवी फुटेज, कंपनी इतनी बड़ी इतना बड़ा काम चलता है, जब बाहर इतने सीसीटीवी है अंदर इतने सीसीटीवी कैमरेज हैं, तुम जिस जगह पे लोकेशन पे बोलते हैं जिस जगह पे हुआ है उसी जगह का तुम्हारा सीसीटीवी खराब है। चलो तुम्हारा माना गया कि वो जगह का सीसीटीवी खराब है, तो बाकी के और दूसरे कैमरेज हैं हमको उसका बताओ कि क्या रिपोर्ट है। आज तक हमारे को ना डॉक्टर ना पुलिस वालों ने भी आज तक सीज नहीं किया, एक एविडेंस भी उनके पास मौजूद नहीं है, और उन लोग ने इतना ढीला इन लोग ने केस सामने रजिस्टर कर दिया, खाली एक ही सेक्शन लगाए 302, बाकी सब किधर गए, क्या खाली यही एक 302 ही उनको लगता है। हमारे को तो लगता है देखो सर कि ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल मिली जुली सरकार है, ये लोग के सब ढीला रवैया है पुलिस का। हमारे को तो पुलिस के ऊपर भी हमारा कोई भरोसा नहीं है, हमको चाहिए कि ये आगे अगर वो बराबर इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो आगे वो ये केस को ट्रांसफर करें CBI या CID में, और वहाँ पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो एक एक चीज़ का, क्योंकि हमारे को तो कम्प्लीटली भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि हमारे सपोर्ट में एक भी कोई बात नहीं करने को तैयार है, बस यही बात करते कि सर मजाक मस्ती में हो। एक नॉर्मल पर्सन को भी आप मजाक मस्ती करते हो तो मेरे साथ चाचा फिर भी अलहमदुल्ला थे, वो तो बॉडी कितनी थी, और वो जिसने किया है वो तो एकदम दुबला पतला है, एक हल्का सा भी ऐसा दे देंगे तो गिर जाएगा। तो वैसे बंदे के साथ में आप, वो भी एक मच्योर्ड आदमी है, ऐसा मजाक कर सकता है क्या कोई किसी के साथ में? और कितना गलत गलत स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि हम लोग क्या बोलेंगे अभी फैमिली वाले लोग भी। बस आप लोग अभी कुछ देखिए क्या हो सकता है, बेस्ट बेनिफिट हमारे फैमिली के लिए, हमारे इसके लिए सपोर्ट करिए। जिसने किया था उसका नाम क्या है? जो कल्प्रिट है उसका विक्टिम का नाम है संतोष अहिरे है। उसको पुलिस ने किस बेस पे अंदर किया था और कितने दिन की जेल कस्टडी पूछा है? अभी जिससे हम लोग को जहाँ तक नॉलेज मिला है हम लोग को, इसमें कैसा है कि संतोष अहिरे को उन लोग ने उसी दिन 29 की नाइट में उन लोग ने अरेस्ट किया था, और उसको जैसे डाला था अंदर, उन्होंने तीन एक्यूज जो विटनेस थे तीन, तो उन लोग तीनों का स्टेटमेंट लेके उन लोग को FIR में कंप्लेनेंट बना के उन्होंने अंदर उसको डाला है। और डालने के बाद में अभी मालूम पड़ा कि हमको, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो पुलिस को हमको बताना चाहिए था कि भाई हम कल प्रेजेंट कर रहे हैं इसको कोर्ट में। इमीजिएटली उन लोग ने दूसरे दिन ही प्रेजेंट किया कोर्ट में, और 5 दिन का PC लेके उन लोग ने काम किया पुलिस कस्टडी लेके। अब हमको जैसे मालूम पड़ा कि 5 दिन का पुलिस कस्टडी अब मंडे को खत्म होने वाला है, तो हम लोग ने भी अपनी जैसे जैसे तैयारी करके, हम लोग MIM वाले लोग हमारे पास बात करने के लिए आए, तो उनके सपोर्ट लेके हम लोग ने एक वकील हायर किया उनके थ्रू ही, और हम लोग ने प्रेजेंट किया वहाँ पर कोर्ट में। तो जब जाके मालूम पड़ता है कि जो पहले ऑलरेडी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, और जो 2-star ऑफिसर जो उधर कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंट थी उसने भी अपने फाइल जब सबमिट की उसने जज के सामने, तो खाली बोल दिया कि हमको विटनेस का खाली ये लेना है स्टेटमेंट। खाली विटनेस के स्टेटमेंट के लिए आपको कल्प्रिट को अंदर रखने की कोई वजह नहीं बनती है, तो इसीलिए डायरेक्टली जो जज था उसने JC ग्रांट कर दिया। JC के अंदर जाएगा तो मामला तो और ढीला हो जाएगा, तो हमारे फेवर में किसने बात किया और क्या बात किया फिर? पुलिस जब इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है, एकदम हंसी मजाक में मस्ती मजाक में बात कर रही है, तो फिर क्या मतलब होता है? हमारे को कोई कुछ हेल्प करने के लिए नहीं, कोई हमको मदद करने को नहीं, कोई हमको बता रहा नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये पहला इंसिडेंट हुआ है मर्डर का, और हमको इस बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज भी नहीं था। तो पुलिस का आइडिया काम बनता है कि हमको स्टार्टिंग से हमको गाइड करे कि देखो सर ऐसा है या ऐसा है। हमने वकील को हायर किया, वकील से हमको नॉलेज जितना मिला हमने उतना काम किया।
आप अभी एमआईएम के ऑफिस में बैठो, एमआईएम की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला है? एमआईएम वालों ने हमारे पास पहुंचे, हमारे चाची के पास, उनको काफी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिला है एमआईएम वालों ने। वो एक पब्लिक एक जैसा जमा किया उन्होंने और पूरा सपोर्ट करने की बात की चाची को। उन्होंने बोला है कि जो भी वकील का जो भी होगा हम हैंडल करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला पूरा सपोर्ट स्टार्ट टू एंड तक देंगे और आपको इंशाल्लाह जो भी है इंसाफ दिलाएंगे, ऐसी बात की उन्होंने हमारे साथ। इंशाल्लाह।